छात्र और सभी संकाय सदस्य जो आज यहाँ आए हैं और इस महायज्ञ का जो आपने लाभ लिया है उसकी मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। और ये जो हिंदू नववर्ष है जिसकी की टोपी सत्यनारायण जी ने लगा रखी है उसकी मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो महाविद्यालय परिवार है, सभी चिकित्सक बंधु हैं, वो अपने पूरे तन मन धन से और अच्छी भावना के साथ में कार्य करते रहें। और आज जैसे कि अर्जुन जी ने बताया था कि एक संकल्प लेना है विद्यार्थियों को कि कोई बुराई छोड़नी है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहली बुराई जो हमारे छात्रों को जो छोड़नी है, जो खास करके हॉस्टल में रहते हैं, वो हॉस्टल में कभी भी पार्टी के बाद में तोड़ फोड़ ना करें। सर ने विशेष छूट के साथ में अपनी बुराई को छोड़ने को कहा है, आप समझिएगा सर का इशारा। अरे संबंध है बात ना, वो क्या छोड़ना है वो तो अर्जुन जी भाई साहब ने बताया, लेकिन विशेष छूट के साथ इतने उदार कोई ऐसे टीचर ही हो सकते हैं कि बताए बच्चे क्या है। इसमें दोनों ही चीज छूट गई, रही बात है। और दूसरा जो संकल्प लेना है एक अच्छा काम, ये तो छोड़ने की बात है कि किसी भी तरह से किसी भी प्राणी मात्र को, हमारे इस महाविद्यालय को, किसी भी साथी को, रोगी को, कभी सपनों में भी अपन बुरा नहीं सोचें, उसका कोई नुकसान ना होने दें। और ये महाविद्यालय जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका तो हम हमेशा उत्थान के लिए ही सोचें। और दूसरा है एक दूसरे की मदद करें, गुरुजनों का सम्मान करें। और इस महाविद्यालय का, ये महाविद्यालय अभी 60 वर्ष पूरे कर चुका है और अभी दिसंबर में इसके 60 वर्ष पूरे होने की बहुत भव्य आयोजन किया जाएगा जिसमें करीब 5,000 चिकित्सक देश विदेश से आएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आज गायत्री यज्ञ हुआ है ये उस आयोजन की, उसकी तैयारियों की एक शुभारम्भ है। और मैं गायत्री परिवार का भी आशीर्वाद आज मिला है नववर्ष में, मैं सभी का, हमारे RMCTA के सचिव डॉक्टर दीपक भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के टीचर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, डीपी सिंह साहब हर बार आते हैं और भाभी जी भी साथ आते हैं, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं गायत्री परिवार का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर नरेंद्र जोशी जो कि हमेशा बावड़ियों की सफाई इन्होंने कराई और स्टूडेंट्स का सहयोग लिया, पीछे जो देहदान स्मारक बना है उसका रखरखाव ये कर रहे हैं, तो इतने अच्छे काम, इतने अच्छे संस्कार सिखाने वाले आपके सीनियर्स आपके साथ में हैं, ये हमेशा सहयोग बना रहे, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार।